हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी की उपलब्ध कुल रिक्तियों के बारे में, जो कि आपके बिहार शिक्षक नियोजन के संबंध में है 2019-20 के। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहते हैं। जैसे कि आप जो भी वैकेंसी लिस्ट देखते हैं उसका मेरिट लिस्ट से जो है मिलान जरूर करिएगा, यानी कि आपकी जो सीटें हैं कैटेगरी में चाहे विषय में, उनका मिलान आपको अपनी मेरिट लिस्ट से जो है करना होता है। और ये आप किस प्रकार से करेंगे, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है कि मेरिट लिस्ट को जो है कैसे देखा जाता है, और इस वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बिहार शिक्षक भर्ती में जाकर के। इसके साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती की जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे जो कि कैंप बहाली के संबंध में है। ठीक है, आपको वहां बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिससे आपको कैंप में भाग लेने में बहुत आसानी होगी। सीटों की रिक्तियां जानना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर आपको सीटों की रिक्तियां नहीं पता है तो आपको जो है भाग लेने में आसानी होगी। यानी कि कैंप की जो बहाली होती है वो एक प्रकार का मेला होता है, एक प्रकार का लकी ड्रॉ होता है। यहाँ पर वे सभी प्रतिभाग करते हैं जिनका मेरिट चाहे कम हो और चाहे ज्यादा हो, यानी कि कोई मेरिट फिक्स नहीं होती है। सारे के सारे अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, अब जो जहां पहुंच जाए। तो आपको सीटों की रिक्तियों की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपको जो है सीटों का मिलान मेरिट लिस्ट में आप किस क्रम संख्या पे है उससे भी करना होगा। ठीक है, और इस पे जो है बहुत जल्दी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे कि 2019-20 की जो बिहार शिक्षक की जो बहाली है उसमें जो है आप कैंप में भाग कैसे लें, किस तरीके से भाग लेने पे आपकी सीटें सुरक्षित हो सकती हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा। अगर आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो आपको जो है वीडियो के सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, कुछ ही नोटिफिकेशन जिनको YouTube भेजना चाहता है वो भेजता है। ठीक है, तो ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, पूर्वी चंपारण मोतिहारी की कुल उपलब्ध रिक्तियां। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। ठीक है, और ये जो है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु वर्तमान में उपलब्ध कुल रिक्तियां हैं। ठीक है, 2019-20 के लिए हैं। कक्षा 1 से 5 यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 6 से 8 दिया है, कुल योग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए बीच से जो है अलग अलग किया गया, ध्यान से देखिएगा, इधर एक साइड में 1 से 5 है, एक साइड में 6 से 8 है। यहाँ नियोजन इकाई का प्रकार दिया हुआ है और यहाँ प्रखंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है जो सीटें दी हैं वो जो है विषयवार दी हुई है और प्रखंड वाइज दी है, सब्जेक्ट वाइज दी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है कैटेगरी रोस्टर उपलब्ध नहीं कराया है। ठीक है, तो कैटेगरी रोस्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप सीटों के एक अनुमान से जो है देख करके जा सकते हैं कि कहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी सीटें हो सकती हैं, या हम इसकी एक बार जो है जिला वेबसाइट को फिर से जो है खंगालेंगे, देखेंगे, अगर वहाँ रोस्टर पड़ा होगा तो रोस्टर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको जो है जाना हो तो आप स्वयं भी जो है जिला वेबसाइट पर जाकर के रोस्टर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर रोस्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले 1 से 5 और 6 से 8 दो कॉलम में बांट दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आदापुर प्रखंड है, इसमें प्रखंड पंचायत और नगर पंचायत। ठीक है, इधर जो है सामान्य विषय की देखिए सीटें हैं। ठीक है, ये सामान्य विषय का कॉलम है, ये उर्दू है, ये बांग्ला है, ये कुल सीटें हैं। ठीक है, इधर हिंदी है, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज देखने के लिए आप जिला वेबसाइट पर जाकर के इसका रोस्टर देख सकते हैं, जहाँ रोस्टर में आपको कैटेगरी वाइज सीटें पता चल जाएंगी। यहाँ टोटल दिया हुआ है। ठीक है, तो आदापुर प्रखंड हो गया, आर्यराज प्रखंड हो गया, बंजारिया प्रखंड हो गया, बनकटवा हो गया। ठीक है, तो ये सीटें आप जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी आपको जो है फायदा मिल सकता है। जैसे मान लिया कि जो है पंचायत यहाँ पे 70 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ कैटेगरी वाइज सीटें जरूर होंगी, सारी कैटेगरी में सीटें होनी चाहिए क्योंकि 70 सीटें बहुत होती हैं। ठीक है, तो आइए अब अगला जो है प्रखंड देखते हैं, चकिया। चकिया पे चलते हैं नीचे, तो ये देखिए ये है चकिया। ठीक है, यहाँ से देखिए टोटल की सीट है। ठीक है, टोटल किया गया है, यहाँ से आप सीटों को अलग कर लीजिएगा। ये यानी कि इधर 1 से 5 है और इधर जो है 6 से 8 है, ये जो है आपका 6 से 8 है और ये 1 से 5 है। ठीक है,
यहाँ छोड़दाना प्रखंड है, चिराया है, ढाका है, गोड़सहन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीटें सारी दिखाई दे रही हैं, सीटें जरूर नोट करिएगा। बिना सीटों के आपको कैंप में अगर भाग लेते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नौकरी भी गंवा देंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं अगले प्रखंड में। अगला प्रखंड है आपका, देखिए, हरसिद्धि प्रखंड, कल्याणपुर, केसरिया, ठीक है। सामान्य विषय उर्दू, बंगला, टोटल हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज दिया है, रोस्टर देखने के लिए आप जिला वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे रोस्टर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मधुबन हो गया, महसी, महसी तक की सीटें हैं। वीडियो को पॉज करके आप सीटों को आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए महसी के नीचे देखते हैं। महसी के बाद है आपका, देखिए, मोतिहारी है, पहाड़पुर है और पकड़ीदयाल है, ठीक है। फिर आपको बता देते हैं 1 से 5 तक की सीटें हैं, ये 6 to 8 तक की सीटें हैं, ठीक है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए काफी उपयोगी होंगे। तो नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आइए आगे देख लेते हैं। पताही, पताही प्रखंड, ठीक है, पंचायत, प्रखंड पंचायत दिया हुआ है। कैटेगरी ऊपर ध्यान रखिएगा, 1 से 5 इधर है, 6 से 8 इधर है। यहाँ पर जो सीटें आपको दिख रही हैं पूरी तरीके से यहाँ रक्सौल तक की सीटें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये रक्सौल तक की सीटें हैं, ठीक है। यहाँ कैटेगरी वाइज नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, प्रखंड पंचायत वाइज दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। पता ही रक्सौल तक हो गया था, ठीक है। रक्सौल के आगे देख लेते हैं संग्रामपुर। संग्रामपुर है, सुगौली है, तेतरिया है, तुरकौलिया है, ठीक है। 3 पेज का ये जो है रोस्टर जारी किया गया है और ये पेज तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सारी सीटें आपको दी हुई हैं, ठीक है। 1819, 656 है टोटल नीचे दिया हुआ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।